वेलकम फ्रेंड्स, पीबीआर स्टडी की ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस क्लास को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आने की पूरी जिम्मेदारी और गारंटी होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने 5 क्वेश्चन तक देख लिया था। इनमें से कौन सा ठंडा ग्रह है जल्दी से बताएं। आप लोगों ने इसको कर भी लिया है तो इसको सबको हम केवल आपको उत्तर बताएंगे, उसके बाद छठवां नंबर से आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आप सभी जानते हैं सूर्य से जो सबसे ज़्यादा दूरी पर है वो ग्रह आपका वरुण है और इस कारण से वरुण जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। इसको हम रिपीट कर रहे हैं, छठवां नंबर से डिस्क्राइब करेंगे। किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो इसका नाम आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही प्यार से, वो है प्लूटो यानी कि यम ग्रह। अगला सवाल आपके सामने है तीसरा, इसका जवाब आप लोग सोच चुके होंगे क्या होगा तीसरा, कि यूरेनस जो है वो सूर्य से किस नंबर पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा में डी, यानी कि सातवां ग्रह है। अगला सवाल, चौथा सवाल जो है आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कह रहा है कि भारत यानी कि इंडिया यानी भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो वो है आपका इलाहाबाद नैनी यानी कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जिसे अब विश्वविख्यात, जी बिल्कुल सही सुना आपने। नंबर पांचवा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय समय यानी कि भारतीय मानक समय या मोतर में के सबसे नज़दीक स्थित है? तो वो आपका मिर्ज़ापुर ज़िला है, जो कि आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद का पड़ोसी ज़िला है। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया था, ये आप लोगों ने इसको रिपीट भी कर लिया 2 मिनट के अंदर। अब हम देखते हैं और डिस्क्राइब करते हैं नंबर छठवां सवाल से। छठवां सवाल क्या कहता है, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग फटाफट रेडी हो जाएं, एक बात अपने मन में दिमाग में गढ़ लें, बैठा लें कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कमेंट अवश्य करेंगे। छठवां में कौन सा सही है? अगर ए सही है तो आप लिखेंगे 6A, अगर सी सही है तो आप लिखेंगे 6C, अगर डी सही है तो लिखेंगे 6D। जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, आप लोग समझ गए होंगे, छठवां का जो उत्तर हो जाएगा ना बाबू, वो हो जाएगा मंगल ग्रह। आप जानते हैं मंगल ग्रह लाल ग्रह क्यों कहलाता है, क्यों, आखिर ऐसा क्या है उसमें? ऐसा ये कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसमें उपस्थित फेरिक ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसी कारण मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। समझ गए, मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। आप जानते हैं कि धरती पर आपका सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है ना, उससे 3 गुना बड़ा है वो। मंगल ग्रह के पास केवल 2 उपग्रह हैं, नंबर 1 फोबोस और नंबर 2 क्या है, डीमोस। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मंगल ग्रह के पास केवल 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो सातवां सवाल आपके सामने आ चुका है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है कौन कौन से हैं? सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। जल्दी से बताओ सभी लोग फटाफट। नंबर 7 में अगर ए सही है तो लिखेंगे 7A, अगर डी सही है तो लिखेंगे 7D, अगर बी सही है तो 7B। इसी तरह का कमेंट करेंगे, जल्दी करें फटाफट। तो नंबर 7वां का जवाब आप लोग समझ चुके होंगे बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेपाल के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं, आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। अगर नहीं किए तो तुरंत करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट करें, जल्दी करें। हो गया, आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, नेपाल के जो पड़ोसी देश हैं वो आपके सिक्किम और बिहार हैं, सिक्किम और बिहार। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य निम्नलिखित हैं कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम। यानी ये जो हैं 5 राज्य वो नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं, मतलब भारतीय राज्य हैं ये और नेपाल के पड़ोस में है यानी कि बगल में, यानी कि इनकी सीमा जो है नेपाल से मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं फिर से सुन लें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम। अगला नंबर 8वां सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, अपने आप में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है ये। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर अवस्थित है, कवरत्ती तथा मिनिकाय के बीच, अमान दीवी तथा करवती के बीच, या कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, या अंडमान तथा निकोबार के बीच, कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएं, 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल, आप लोग समझ गए होंगे 9 डिग्री चैनल जो है वो कहाँ पर स्थित है। नंबर 8वां का राइट आंसर समझ गए, कहाँ पर स्थित है, आगे बढ़ें।
देखिए 9 डिग्री जो चैनल है ये स्थित है, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है। वो पहला ऑप्शन है मतलब कि कवरत्ति तथा मिनिकाय के बीच। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनिएगा, पूरा डिस्क्राइब करेंगे, एकदम अंत तक वीडियो देखिएगा, भागिएगा नहीं। देखिए जो कुछ प्रमुख चैनल हैं वो इस प्रकार हैं। लघु अंडमान निकोबार द्वीप में 10 डिग्री चैनल स्थित है। कहाँ पर? 10 डिग्री लघु अंडमान निकोबार द्वीप में। मिनिकाय कवरत्ती में जो है वो 9 डिग्री चैनल स्थित है, और मालदीव तथा मिनिकाय में 8 डिग्री चैनल स्थित है। और इसी तरह से अगर बात करें तो भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक ना? मतलब मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत श्रीलंका। पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट। ये मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट जो है ये सभी चैनल के नाम हैं, ठीक है ना? तो आगे चलें। अगला सवाल जो आपके सामने है वो आप लोग देख रहे होंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस PDF फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप क्लास देख रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और इस पर लिख के भेजेंगे JOIN ज्वाइन। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए क्लास को ज्वाइन करें और PDF फाइल के साथ साथ सभी ऑनलाइन लाइव क्लास मुफ्त में प्राप्त करें जो कि आप लोगों को नहीं मिल पाती हैं। आप लोगों को मात्र कुछ ही क्लास यूट्यूब पर मिल पाती हैं, है ना? तो ये नंबर जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें कुछ सेकंड के अंदर। अगर नहीं आपने देखा इसे अभी तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें और फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। नंबर 9वां सवाल आपके सामने है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित राज्यों में से किस जगह सूरज दिखाई देता है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसे खामोश क्यों बैठे हैं हुजूर, जल्दी से कमेंट करें ना सभी लोग। हो गया? देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। जी बिल्कुल सही सुना आपने, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। भारतीय राज्य के रूप में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 यानी 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार यह देश का 27वां राज्य है, जहां पर 13,82,611 लोग निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय तो और ज़्यादा हो गया होगा। नंबर 10वां सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? रोहतक, अवंती, उज्जैन, कुरुक्षेत्र। कौन सा राज्य है जल्दी से बताएं, फटाफट करें। हो गया क्लियर? चले आगे। जी बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। उज्जैन जो है ये भारत का ग्रीनविच कहलाता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन मुख्य मध्यान रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। मतलब उज्जैन में मध्यान रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं, और प्राचीन से ही उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता था, इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया गया था। आगे चलें। अगला सवाल आपके सामने है जो आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा ये लुक रहा है भाई, छुप रहा है, देखो इसको मैं बाहर कर दिया। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेर। नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, अगर नहीं किया तो जल्दी से करें। हो गया? बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया होगा, उम्मीद करते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे सुदूरस्थ बिंदु है। इंदिरा पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। यह बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में एक प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक नगरी है। यहीं प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य का तथा श्रीलंका के बीच स्थित है। ये प्रमुख द्वीप है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है, यानी कि स्थान है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित श्री भोलेनाथ यानी कि शिवशंकर महाराज का मंदिर है। जी बिल्कुल, इसी कारण से यह और भी प्रसिद्ध है। रेडक्लिफ लाइन सीमा क्या निर्धारित करती है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, या भारत और चीन के बीच, ये कहां पर क्या निर्धारित करती है?
नंबर 12 का सही जवाब आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कोशिश करें, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करेंगे बाबू, तो कोशिश करना ना छोड़ें अंतिम उम्मीद तक। हारते हैं तो एक अनुभव मिलता है, जीतते हैं तो एक आत्मविश्वास मिलता है, तो अनुभव या आत्मविश्वास दोनों ही सफलता के लिए ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, तो इसका सही जवाब आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड किल्फ लाइन जो है वो भारत और बेवकूफ़ पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डुरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैग्नीनाट रेखा द्वारा या रेड किल्फ रेखा द्वारा। देखिए अभी वही सवाल जो आपने देखा उसी का सवाल फिर यहाँ बन गया उल्टा करके, ऐसे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग ने अभी देखा तुरंत, इसलिए आप चीटिंग भी कर सकते हैं। रेड किल्फ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की जाती है, ये देख लीजिए ना, है ना, आई बात समझ में। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, अगर अभी तक आपने PBR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बनी जैसे लोग बोलते हैं ना घंटी को भी बजा दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। ये घंटी बजाना मतलब क्या होता जानते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करना, बाकी ये कोई मंत्र की घंटी नहीं होती, ठीक है ना। तो नंबर 14 सवाल आपके सामने आ चुका है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, दमन और दीव, पांडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, कौन सा है। देखिए मैं आपको कुछ डिटेल दिखाता हूँ, फिर आप खुद ही बताएंगे, खुद ही चिल्लाएंगे कि कौन बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जो है वो दिल्ली है, इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है, दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल देखिए, जैसे है आपका दिल्ली, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1483 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि KM का होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं तो आंध्र, यानी कि जो अगला आपका संघ राज्य क्षेत्र है वो कौन सा है, पांडुचेरी है, पांडुचेरी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 479 किलोमीटर का स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं, पांडुचेरी के बाद में आता है चंडीगढ़ का नंबर, जो चंडीगढ़ है उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 114 वर्ग किलोमीटर है, क्लियर। इसके बाद सबसे छोटा जो है आपका दमनदीप है, दमनदीप का क्षेत्रफल कुल 112 वर्ग किलोमीटर है मात्र। तो आपने देख लिया जो दिल्ली है उसका 1483 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि दिल्ली सबसे बड़ा है, किस में बड़ा है, संघ राज्य में सबसे बड़ा है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है नंबर 15, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, कौन सा राज्य है वो जो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, समझ गए कौन सा है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही समझा होगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं अधिकतम राज्य सीमाओं को छूएगा भाई, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा है ना ये, इसमें बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि में, बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि में, राजस्थान बड़ा है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य जो हैं वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्य देखिएगा, ये जो आपने सुना ये उत्तर प्रदेश से थे, फिर से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए कुछ राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए राज्य जो हैं वो हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अगला देखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक की सीमा से जो सटे हुए चिपके हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और आंध्र प्रदेश की सीमा से जो सटे हुए हैं वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा। अतः स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से अधिकतम राज्य जो हैं वो अटैच होते हैं, छूते हैं, मतलब टच करते हैं। तो इस तरह से आपने 15 महत्वपूर्ण सवाल देख लिया। चलते चलते एक बार फिर से मैं आपको ये आपका ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर दिखा देता हूँ PBR स्टडी का, 9793488448। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप PDF फाइल के रूप में संपूर्ण कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, CD कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, पेन ड्राइव कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइव कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ अपने घर बैठे ऑर्डर करें और इस नंबर पर संपर्क करें। इसके अलावा आप अपनी किसी भी समस्या को लेकर के अगर उलझे हुए हैं तो उसे सुलझाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, हमारी टीम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है।
लेकिन एक बात ध्यान दें, केवल पढ़ाई से संबंधित मुद्दे ही शेयर करिएगा। और हाँ, कॉल करने का टाइम 10 बजे से लेकर के जो है इस समय 2 बजे तक डिसाइड किया गया है, तो आप 10 से 2 के बीच में कॉल करिएगा, ये टाइम बदलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक जो आपका दूसरा नंबर भी है जिसमें थोड़ा सा अंतर है मात्र, आप देख रहे होंगे, इस पे आप 2 कर देंगे तब भी वही नंबर है, 3 कर देंगे तब भी, ठीक है ना। तो ये नंबर नोट कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार यदुवंशी, चलते चलते आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया बाबू, तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करके जाइएगा। ये मैं आपको कसम नहीं रखा रहा हूँ कि 9 लोगों को करिएगा, लेकिन हाँ, एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है कि आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे किसी और का भला हो सके, है ना, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर से मिलेंगे अगली क्लास के साथ। क्लास का समय बहुत लोग पूछते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक किया करें, और हाँ, कुछ टाइम अपडेट होता रहता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, फिर से आपके लिए लेकर के एक नई उम्मीद उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।